अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं ज़ेबी टेक। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 2F के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, तो हमें जो इसकी प्राइस देखने को मिलेगी वो हमें तकरीबन 60,000 देखने को मिलती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी जो फ्रंट और बैक है दोनों साइड पर ही हमें इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास पाइपिंग प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ हमें जो इसका वेट देखने को मिलता है वो 195 ग्राम देखने को मिलेगा, और इसकी जो हमें थिकनेस देखने को मिलती है वो हमें 8.7 mm देखने को मिलेगी। बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की, तो हमें जो इसका फ्रंट साइड है वहाँ पे हमें एक बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलता है, और जो इसकी लेफ्ट साइड है वहाँ पे हमें इसके वॉल्यूम लॉकर कीज देखने को मिलते हैं, और जो इसकी राइट साइड है वहाँ पे हमें इसके जो पावर बटन है वो देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर ही हमें जो इसकी सिम ट्रे है वो देखने को मिलती है जिसके अंदर हमें डुअल सिम और डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड की स्लॉट देखने को मिलती है, जिसके अंदर हम 256 GB तक का जो मेमोरी कार्ड है वो इंसर्ट कर सकते हैं। बात कर लीजिए इसकी ऊपर वाली साइड की, तो वहाँ पे हमें इसका सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिलता है, और इसके अंदर हमें जो मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा है वो हमें इसके ऊपर वाली साइड पे देखने को मिलेगा, और जो इसकी नीचे वाली साइड है वहाँ पे हमें इसका जो 3.5 mm जैक है वो देखने को मिलेगा। इसका प्राइमरी माइक्रोफोन, इसकी USB Type-C और जो इसके स्पीकर ग्रिल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसकी बैक साइड की बात करें तो इसकी जो हमें बैक साइड पे देखने को मिलेगा वो हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इन कैमराज के नीचे ही हमें ओप्पो रेनो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जो कि हमें ओप्पो रेनो के जो स्मार्टफोन है उसी के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर हमें 6.5 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसकी हमें जो रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी वो हमें फुल HD+ देखने को मिलती है, यानी कि इसके अंदर हमें 1080x2340 पिक्सल्स का जो रेजोल्यूशन है वो देखने को मिलेगा। इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो इसके अंदर हमें 91.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा, और इसकी पिक्सल डेंसिटी हमें जो देखने को मिलती है वो हमें 394 PPI देखने को मिलेगी। इंटरनल्स की बात करें तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो हमें मीडिया टाइप का P70 देखने को मिलेगा, जो कि 12 nm टेक्नोलॉजी बेस्ड एक लैपटॉप कोर प्रोसेसर है। इसके साथ हमें जो GPU देखने को मिलेगा वो हमें माली G72 MP3 देखने को मिलता है। इसके वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे हमें एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8 GB रैम और 128 GB की जो स्टोरेज है उसके साथ हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमें इसके अंदर एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी देखने को मिलेगी, जो कि हम मेमोरी कार्ड के जरिए कर सकते हैं 256 GB तक। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हमें कलर OS 6.1 देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड 9.5 पे बेस्ड होगा। इसके साथ साथ बात कर लीजिए इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ हमें वो फ्लैश चार्ज 3.0 भी देखने को मिलेगा, जो कि हमारी जो चार्जिंग है वो 20 W के जरिए करेगा। अब बात करते हैं इनके कैमरास की, तो इसके अंदर हमें जो फ्रंट साइड है वहाँ पे हमें 16 MP का एक कैमरा देखने को मिलेगा, जिसका हमें जो अपर्चर देखने को मिलता है वो 2.0 है, और बैक की बात करें तो बैक साइड पर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें जो मेन लेंस देखने को मिलेगा वो हमें 48 MP का देखने को मिलता है, जिसका हमें 1.7 अपर्चर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमें जो सेकंड कैमरा देखने को मिलेगा वो हमें एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, जो कि 8 MP का है। इसके अलावा हमें थर्ड और फोर्थ कैमरा जो देखने को मिलेगा वो हमें 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा, और एक 2 MP का मोनो सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ बात कर लीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो फ्रंट साइड पर हमें 1080p 30 FPS की रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। इसी तरह बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पर भी हमें 1080p 30 FPS की देखने को मिलेगी, यहाँ पे किसी किस्म की जो 4K स्पॉट है वो देखने को नहीं मिलती, और इसके साथ हमें जायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलेगी। तो ये थी ओप्पो रेनो 2F की डिटेल्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।